हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आप ही के चैनल सुचिता टेलर में स्वागत है। फ्रेंड्स, 38 इंच कटोरी ब्लाउज बनाना समझाएंगे, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले जितना चेस्ट है उतना नाप लेंगे। 9.5 इंच ले लिए हैं और 2 इंच मार्जिन ले लिए हैं। 9 × 36 और 1/2 इंच, तो 9.5 इंच से हमारा 38 इंच के तैयार हो जाएगा चार फोल्ड में। लंबाई देखिए इसका 13 इंच है, 13 इंच ले लिए हैं, 2 इंच और मार्जिन इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको टोटल लेंथ देख लेंगे, ये 15 इंच हो गया है। अब इसका देखिए ऊपर शोल्डर लेंगे, 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से देखिए निशान लगा देंगे और इसको मिला देंगे। अब इसकी आर्म होल लेंगे 6 इंच के, और 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से देखिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए इसको मिला देंगे। अब इसका सीना का लेंगे नाप, 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें इस तरह से मिला देंगे। और इसमें 2 इंच मार्जिन देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 इंच मार्जिन दे देंगे और मिला देंगे। और ये नीचे लिए हैं 9.5 इंच और 2 इंच मार्जिन लिए हैं, इसको भी मिला देंगे। इसमें देखिए 1 इंच की गोलाई देंगे और इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 1 इंच के लिए हैं, अब भी इस तरह से ले लीजिए और अच्छे से इसकी गोलाई का शेप दे देंगे। ऊपर लिए हैं 2.5 इंच, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग रखा जाता है, यहाँ 6 इंच का ले रहे हैं, आगे का पल्ला है तो 6 इंच पे निशान लगा दिए हैं। अब इसकी एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। ऊपर 2.5 इंच लिए हैं तो यहाँ भी 2.5 इंच का बॉक्स तैयार करेंगे। इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। आपको जिस तरह का शेप पसंद है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपके गला अपने पसंद से लिया जाता है। अब देखिए इस तरह से गोलाई का शेप दे दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड, जिस तरह से नाप लगा निशान लगाए हैं उस तरह से इसकी कटाई देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग कर दिए हैं। अब इसमें बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट तैयार करने के लिए 1 इंच पे इस तरह से देखिए निशान लगाएंगे और 2.5 इंच का हम बेल्ट लेंगे तो 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। टोटल लेंथ हो गया इसका 3.5 इंच, 3.5 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ देखिए 3 इंच पर ले लेंगे, 1/2 इंच डाउन कर देंगे। यहाँ भी 3 इंच पर ले लेंगे इस तरह से, और इसकी तिरछा ले जाते हुए हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए बेल्ट का निशान लग गया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे, इसकी कटिंग कर देंगे फ्रेंड्स। अब इसको साइड कर देंगे। अब इसमें कटोरी तैयार करेंगे, तो ध्यान से समझिए। 38 इंच का चेस्ट है तो उसी हिसाब से हमें कटोरी निकालना है। तो 6 × 36 यानी 6.5 इंच का हम कटोरी निकालेंगे। ऊपर गले के लिए देख लीजिए, आगे का गला में 1 इंच लेंगे, ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए 2.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं आर्म होल के साइड, और इस तरह से इसको पहले मिला देंगे 2.5 इंच पे जो लगाए हैं। अब इसके देखिए चेस्ट की मेजरमेंट आपको समझा दिए, उसी हिसाब से कर लीजिए। जितना चेस्ट है उसको 6 भाग में आप कर दीजिए। तो हम यहाँ 6 × 36 और 1/2 इंच और लिए हैं 6.5 इंच पे। तो ये हमारा 38 इंच का चेस्ट के हिसाब से कटोरी तैयार होगा। ये देखिए जिस तरह से निशान लगाए हैं उसको पहले कटिंग कर देंगे और इसको रखते हुए दूसरे कपड़े पे तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से कटिंग कर दिए हैं, अब इस तरह से कर दीजिए, साइड का हटा देंगे। अब इसमें मेन कटोरी तैयार करेंगे, तो ध्यान से समझिए। जो बचा हुआ कपड़ा आपके पास है उसी को ले लीजिए, उस पर रखते हुए इसमें कटोरी तैयार करेंगे। सबसे पहले कटोरी तैयार करने के लिए जितना कटोरी का है उसको पहले शेप दे देंगे। गले के साइड गले शेप दे देना है जिस तरह से है, पहले अच्छे से धीरे धीरे हाथों से इसको शेप दे देंगे, फिर उसके बाद इस पर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हम शेप दे रहे हैं, इस तरह से आप भी शेप दे दीजिए। इस तरह से इस साइड भी निशान लगाएंगे, ये देखिए निशान लगा देंगे, अच्छे से लगा देना है निशान। ये देखिए निशान लग गया, इसको अब साइड कर देंगे। अब इसमें मेन कटोरी तैयार करेंगे, तो ध्यान समझिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से और डार्क कर देंगे। 1 इंच और लेंगे, यहाँ 1 इंच लेंगे, यहाँ भी 1 इंच लेंगे, दोनों साइड 1 1 इंच लेनी है और दोनों साइड इस तरह से मिला देनी है। देखिए फ्रेंड्स, मिला दिए हैं और थोड़ा सा ऊपर लेंगे इस तरह से लेते हुए धीरे धीरे तिरछे हाथों से इस तरह से, देखिए हल्के हल्के हाथों से तिरछे मिला देना है। ये देखिए इस तरह से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मिला दिए हैं। अब देख लेंगे पूरी टोटल लंबाई कितनी है, 8 इंच है, तो इसको 1/2 इंची टेप कर देंगे।
इस तरह से देखिए आधा इंची टेप कर देंगे और वहाँ निशान लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स निशान लगा दिए हैं 1 इंच का, इस तरह से 1 इंच पे निशान लगा दिए हैं और जो दोनों साइड 1 इंच बढ़ाए हैं उसी से ले जाते हुए तिरछा मिला देंगे। दोनों साइड इसी तरह से करनी है। देखिए मिला दिए हैं, ये हमारा कटोरी तैयार हुआ है। अब इसमें देखिए ऊपर का टक्स लगाएंगे 2.5 इंच पे, ये देखिए 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे और दोनों साइड 1 इंच लिए हैं जो यहाँ मेकअप कर देंगे। टक्स लगाने के लिए 1 इंच दोनों साइड ले लेंगे, दोनों साइड वाला मेकअप हो जाएगा ताकि कटोरी बन के परफेक्ट तैयार होए। ये देखिए तिरछा मिला देंगे टक्स के लिए, इस तरह से मिला देंगे फ्रेंड्स। अब जिस तरह से निशान लगाए हैं इसकी कटिंग करेंगे, इस तरह से देखिए कटिंग कर देंगे। आप भी इसी तरह से कटिंग कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कटिंग हो गया है, कितनी परफेक्ट कटोरी बन के तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा निकला हुआ है कपड़े से, ये हमारा मेन कटोरी है, ये देखिए साइड का है ये हमारा और ये बेल्ट है। फ्रेंड्स जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज की पीछे की पल्ले कटिंग होता है उस तरह से कटोरी ब्लाउज का भी पीछे का पल्ला कटिंग होता है, तो उसी तरह से आप कटिंग कर लीजिए। फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।